हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में हम कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ रुके, मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। धार्मिक नगरी वृंदावन में आप सबका स्वागत है। हम आके पहुँच गए हैं वृंदावन में। ये इस्कन का गेस्ट हाउस है, इस्कन मंदिर का ही गेस्ट हाउस है। ये जो गेस्ट हाउस है एकदम इस्कन मंदिर के बैक साइड पे है। बहुत ही अच्छा सा गेस्ट हाउस है, हम यहीं पे स्टे किए थे। अच्छा ओके, तो तू कौन जाऊ छु जे मु से बेड रे सुए बोली। हां मु बस बाथरूम पर जाई रहू छु। तू कौन है बाबू? कौन बैठे छु? एगो बोलो तो आपको प्लीज टेक ऑफ योर बेड। गेस्ट हाउस से फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, बांके बिहारी लाल को दर्शन करने के लिए। जब भी हम वृंदावन आते हैं हम सबसे पहले बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हम बाकी सारे मंदिर का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है, छोटा बड़ा मिला के 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है। बट हम तो सारे मंदिर नहीं घूम सकते हैं। जो यहाँ पर मैं जो 4-5 मंदिर गई थी मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। मंदिर का जो समर का टाइमिंग है ये है 7:45 to 12 PM एंड इवनिंग में 5:30 to 9:30। एंड अगर आप विंटर में जाते हैं इसका टाइमिंग है 8:45 to 1 PM एंड देन इवनिंग में 4:30 to 8:30। बीच में दोपहर में ये 12 से लेकर 5:30 बजे तक समर में, एंड विंटर में 1 से लेकर 7:30 बजे तक बंद रहता है। मेक श्योर कि अगर आप जाते हैं तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जाइए, दोपहर में बिल्कुल मत जाइए क्योंकि आपका मंदिर बंद मिलेगा। ये प्रेम मंदिर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। डिफरेंट लाइट्स है ना, ये बहुत ही सुंदर दिखता है रात में, स्पेशली बहुत ही सुंदर दिखता है ये मंदिर। हम काफ़ी बार वृंदावन गए हैं बट रात में कभी नहीं रुके थे, तो ये नज़ारा हम पहली बार देख रहे हैं, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आने का मन ही नहीं कर रहा था हमें। प्रेम मंदिर का जो टाइमिंग है ये मॉर्निंग 5:30 खुलता है 12 बजे तक, देन अगेन 4:30 से 8:30 बजे तक इसका टाइमिंग है। दोपहर के टाइम पे मंदिर बंद रहता है। ये प्रेम मंदिर का दिन का नज़ारा है, हम दिन में भी गए थे प्रेम मंदिर, और रात में तो काफ़ी भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा। दिन में भी भीड़ था पर इतना ज़्यादा नहीं रात की तरह, रात में काफ़ी भीड़ था क्योंकि लाइटिंग बहुत ही अच्छा होता है तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। ये दिन का नज़ारा देखिए, स्पेशली वीकेंड पर मंदिर ज़्यादा भीड़ रहता है। अगर आप वीकडेज पर जाते हो तो आपको भीड़ मिलेगा बट इतना नहीं मिलेगा भीड़, लेकिन वीकेंड पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी हम आके पहुँचे हैं इस्कन मंदिर पे। ये श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मंदिर का जो टाइमिंग है ये 4:30 to 12:45 है, अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे मंदिर खुलता है 12:45 तक, देन अगेन आफ्टरनून में ये खुलता है 4:30 to 8 PM इसका टाइमिंग है। ये जो है समर का टाइमिंग है, विंटर में भी सेम टाइम पर मंदिर खुलता है 4:30 to 1 PM तक, एंड आफ्टरनून में खुलता है 4:00 से लेकर 8:15 तक।
ये विंटर का टाइमिंग है। वृंदावन में लगभग सारे मंदिर आफ्टरनून में बंद रहता है, तो अगर आप दर्शन करने के लिए आते हैं आप मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हैं, 12:30 तक सारे मंदिर खुला रहता है। अगेन फिर 4:30-5 खुलता है मंदिर, तो आप जो 12 से लेकर 5 का टाइम भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर सारे मंदिर बंद रहता है। प्राचीन वृक्ष है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बैठ के गोपियों का वस्त्र चुराते थे, एंड यहाँ से यमुना माँ के ऊपर छलांग लगाया था उन्होंने कालिया नाग का दमन करने के लिए। ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। अभी हम आए हैं यमुना विहार करने के लिए। ये देखिए कलरफुल बोट, ये वाला बोट हम चूज़ किए थे इसमें बैठने के लिए, बहुत ही प्यारा सा बोट है। और इन आप अगर वृंदावन कभी आए हैं यमुना विहार नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। एंड जिस टाइम पे हम गए थे उस टाइम पे ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी एंड गर्मी भी नहीं थी, एंड बहुत ही अच्छा सा हवा चल रहा था, तो हम बहुत ही एंजॉय किए यहाँ पर। पहुँचे हैं निधिवन में। निधिवन का रहस्य तो सबको पता होगा, यहाँ का जो टाइमिंग है निधिवन का जो टाइमिंग है ये सनराइज टू सनसेट तक की होता है। सनसेट के बाद इवनिंग के बाद यहाँ पे कोई नहीं जा सकते हैं, जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई ना जा सके। अभी भी मान्यता है कि रात को श्री कृष्ण भगवान एंड राधा रानी यहाँ पे रास रचाते हैं, एंड रास के बाद निधिवन के अंदर जो रंगमहल है वहाँ पे जो शयन सज्जा है शयन कक्ष है वहाँ पे शयन करते हैं। एंड निधिवन के अंदर 16,000 वृक्ष हैं, एंड ये मान्यता है कि 16,000 जो वृक्ष हैं वो रात को 16,000 रानी बन के श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाते हैं। एंड अगर गलती से कोई भी उनका रास देखते हैं तो उनका मृत्यु हो जाता है, नहीं तो और अंधे गूंगे या बहरे बन जाते हैं, क्योंकि उसके जो निधिवन की जो रास की कहानी है वो किसी को ना बता पाए। यहाँ पे रात के टाइम पे कोई मनुष्य पशु पक्षी किसी कोई भी नहीं जा सकता है, एंड आप यकीन नहीं करेंगे यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये रात को यहाँ पे निधिवन में कोई भी पशु पक्षी किसी का भी आवाज़ नहीं होता है, बिल्कुल ही शांत रहता है निधिवन रात के टाइम पे। एंड यहाँ पे जितना भी वृक्ष है कोई भी वृक्ष आपको एक नहीं मिलेगा, सारे जोड़े में मिलेगा आपको वृक्ष, सारे वृक्ष जोड़े में रहते हैं और सबकी जो डाली है वो नीचे झुकी हुई रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो 16,000 वृक्ष हैं ये सारे कृष्ण जी की गोपियाँ हैं, तो रात को वो ये गोपी बन के श्री कृष्ण जी के साथ रास बजाते हैं। ये था हमारा वृंदावन की यात्रा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिर हम मिलेंगे नए वाले ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।